अब शेख भाई रेडी हो चुका है। अभी मॉर्निंग का जो रिचुअल से जो रस्म वगैरह है वो अभी मनाया जाएगा, तो चलते हैं उसको भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग अब निकल रहे हैं ललितपुर से घर की तरफ। तो अभी बीच में क्या बात है, सुबह के समय इतना प्रोग्राम इतना फंक्शन होता है ना कि उसको शूट करने का मौका नहीं मिला। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी में। यहाँ पे ये है कि हवाना में अभी कुछ भी हवाना नहीं हो पा रहा है। नहीं, हवाना में हमारा नहीं हो पा रहा है, कुछ भी हमारा जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे खाना मतलब है ऐसा, इन्होंने डिजाइन किया, देखो आप ये डिजाइन ऐसा है, ये मेरे हिसाब से रात का खा लिया। देखो धूप में लगा रखे हैं टेबल, ये इधर रात का केवल खाने का है सिस्टम आई गेस। इस फाइनली हम लोग एक ढाबा पर रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बीच हाईवे में कुछ मिल ही नहीं रहा था ढंग का रेस्टोरेंट। तो क्योंकि यहाँ से आगे थोड़ी देर से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे स्टार्ट होना और इसको कुछ भी नहीं मिलने खाने का, तो ढाबे पर रुक के खाना खा रहे हैं। अब यहाँ से खाना खा के डायरेक्ट चलेंगे। स्वीज है ये भी मिक्स, और ये जो है शाही पनीर है, ये दाल तड़का है, ये चावल है, ये रोटी है, रोटी सादी है, बटर वाली थी बट ये अपना सैलेड है। सैलेड खा पी के टेस्ट करके बताते हैं आप लोग। भाई देखो यहाँ पे मीठा सोडा बनाना सिखा रहे हैं इसको, ये बोलता है कैसा आता है कैसा आता है, ये देखो टेस्ट करके बताया कब है भाई। ये देखो जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, बोल ही नहीं रहा ये, तेरी कमजोरी आ गया क्या अभी? ये कमजोरी ये देखो, धीरे डालो फेन छोड़ेगा। नींबू मिला लो थोड़ा सा। हाँ भाई नींबू मिला। हाँ भाई पी के बताओ कैसा है। अब देखो आशीष बताएगा पी के कैसा है, असली टेस्ट मैन करने वाला। लाजवाब है ए? खाना भाई देखो जितना पेट में तीखा लग रहा था, जलन जलन हो रही थी, पियो ये गिलास खाली पियोगे सही हो जाएगा। तो गाइस ये होते हैं मीठे सोडा का दम। सो गाइस हियर वी आर, अपना हो गया लंच वंच, अब हम लोग निकल रहे हैं। मामा अपना व्यवस्था कर रहा है, पीछे वाले अपना व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं उसी में झूल झाल के ऐसे वैसे वैसे करके ले लिया, और अब सर दर्द होना शुरू हो चुका है मेरा। बट लेट्स सी अपन कब तक पहुंचते हैं। होपफुली लग रहा है 12 बज जाएंगे, रात के घर पहुंचते हैं आराम से 12 बज जाएंगे। अच्छे भी चलेंगे, सबसे आगे हम लोग हैं, हम लोगों के पीछे भैया है, फिर उसके पीछे पापा है। अभी तो सब सब एक बस से। हाँ तो जबकि वो लोग हम लोगों से 1 घंटा पहले निकले थे, 1 घंटा पहले नहीं तकरीबन 40 मिनट पहले बस निकली थी, और आधा घंटा पहले एक्सी भी निकला। हेलो गाइज, अभी हम लोग रात के 9 बज चुके हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे होटल पे आए हुए हैं, ये देख सकते हो। तो फटाफट चलते हैं, नाश्ता वगैरह खाना वगैरह करते हैं, फिर घर पे चलते हैं। देखो गाइज अपना खाना पीना आ चुका है, ये देखो फाइनल स्टॉपेज है अपना गाइज, इसके बाद डायरेक्ट घर पहुँचेंगे। यहाँ से भी 200 किलोमीटर नहीं, 150 किलोमीटर बचा हुआ है। 200 किलोमीटर बचा हुआ है, जाने में बन जाएंगे 11-12। ये अपना डिनर हो चुका, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। इस वाले ढाबा पर हम लोग खाना टेस्ट किए, उस वाले ढाबा पर टेस्ट किया, आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको कल खाए। ये वाला इतना गंदा है, बस ऐसे समझ लीजिए, इसको मैगी मांगा गया तो सब्जी लग दे रहा है, मैगी वाली सब्जी। ठीक है ऐसे रेसिपी नहीं दिया था, ठीक है मतलब अच्छा खाने लगा तो हो सकता है किसी और अच्छा लगे, तो अपना टेस्ट सबको कैसे कर सकते हैं। ठीक है तो हमको ज़्यादा वो बेटर लगा, तो हम लोगों ने वहाँ पर बस को कर दिया अदर, 40 लोग बस में बैठे तो वो लोग वहाँ पर खा रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। मज़ा आया? बहुत मज़ा आ रहा है, हमारी एंगेजमेंट अरे एकदम। तो निकलते हैं गाइस घर के लिए। हाँ तो दोस्तों रेडियो बनारस से दोस्तों की फरमाइश है, अच्छे खाने के बाद मामा जी कुछ तड़कता भड़कता पेश कीजिए जिससे मजा आ जाए और सजा भी ना मिले। मामा जी कुछ बजा दीजिए, लड़के बजना चाह रहे हैं। मामा जी की सर्च कर रही है, मामा जी सर्च कर रहे हैं अपने पुराने प्लेलिस्ट जिसमें कुछ जिसमें कुछ XYZ और नगमे हैं भरे भरे। शुरू हो गया ना, शुरू हो गया। मामा जी ने अनाउंसमेंट से पहले ही शुरू कर दिया है, तो तैयार हो जाइए सरप्राइज के लिए। डिक्चिक डिक्चिक।
मम्मी डांस कर दे भैया। ए राजा राजा। अभी हम लोग घर से अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर दूर पे हैं। इलाहाबाद आते हैं, यहाँ बैठ के चाय पानी पीते हैं और हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे तो यहाँ पे हम और अंतुल एक बार का चाय पीते हुए दिख जाएंगे आपको। पकौड़ी खाते हुए चाय पीते हुए आपको दिख जाएंगे। पुराना अड्डा है इधर से जाते हो तो यहाँ जरूर रुकते हैं। तो ये अपन सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम पता नहीं वो भी कितना टाइम में रुक रहे हैं आके अपन यहाँ पे। तो आज का दिन तो पूरा ट्रेवल में ही बीत गया है। बाकी सब लोगों को आने में अभी मे बी 1 से 2 घंटे डिले है, लोग हमसे 2 घंटे बाद ही आए। तो चलते हैं घर पर, ये ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि अब घर पर जाकर डायरेक्ट सो ही जाएंगे। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल डेट, बाय बाय, गुड नाइट।